हेलो बच्चों, आइए आपको हम पृथ्वी पात्रों में लैंगिक प्रजनन के पाठ में आज हम आपको जो है भ्रूणकोश और भ्रूणकोश में अंतर बताएंगे। भ्रूणकोश जो है और भ्रूणकोश, ये दो बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं और इनका अंतर लगभग लगभग आता है। तो सबसे पहले हम भ्रूणकोश के बारे में जानेंगे। भ्रूणकोश को जो इंग्लिश है वो एम्ब्रियो सैक है, इसमें ये अगुणित होता है, जबकि जो भ्रूणकोश है उसको एंडोस्पर्म कहते हैं, ये त्रिगुणित होता है। यानी हैप्लॉइड का मतलब होता है क्रोमोसोम की संख्या एक और इसमें क्रोमोसोम की संख्या तीन। ये बीजाणु में पाया जाता है भ्रूणकोश, जबकि भ्रूणकोश जो बीजों में होता है। भ्रूणकोश या एम्ब्रियो सैक, इसका निर्माण जो है निषेचन क्रिया से पूर्व होता है, जबकि एंडोस्पर्म का निर्माण जो है निषेचन क्रिया के पश्चात होता है। एम्ब्रियो सैक में भोजन संचित नहीं होता है, जबकि एंडोस्पर्म में भोजन संचित होता है। इसमें पथमुख कोशिकाएं होती हैं, एम्ब्रियो सैक में एक सेल्स होती हैं, सहायक कोशिकाएं होती हैं और तथा मध्य में दो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। भ्रूणकोश में इस प्रकार की रचनाएं नहीं होती हैं, सभी जो है जो कोशिकाएं होती हैं वो समान प्रकार की होती हैं। अब आते हैं भ्रूणकोश के बारे में। इसका निर्माण क्रियाशील दीर्घ बीजाणु से होता है और जबकि एंडोस्पर्म इसका निर्माण द्वितीय केंद्रक तथा नर युग्मक के संयोजन से बने प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक से होता है। देखिए, ये जो आपके समक्ष जो है फिगर्स हैं, ये भ्रूणकोश की बात है और जब इधर जो आप देख रहे हैं ये भ्रूणकोश हैं, ठीक है, ये भ्रूणकोश हैं, इनको एम्ब्रियो सैक कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ देखिए, इसमें पॉलन ट्यूब, जायगोट, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, सेंट्रल चैम्बर, चालेजल, एस्टोरियम, ठीक है, ये सब भ्रूणकोश के बारे में है, भ्रूणकोश लिखा है। आइए अब हम बीजाणु और बीज में अंतर के बारे में जानेंगे। तो बीजाणु को हम ओव्यूल कहते हैं और बीज को हम जो है सीड कहते हैं। तो बीजाणु जो है वास्तव में अंडाशय में निषेचन से पूर्व पाए जाने वाले महाबीजाणुधानी है और बीज का निर्माण जो फल में होता है, बीजाणु ही निषेचन के पश्चात बीज में बदलता है। दूसरा डिफरेंस है, बीजाणु के चारों ओर एक या दो आवरण होते हैं, बीज के चारों ओर बीजावरण सीड कोट होता है। इसमें बाह्य आवरण को बीज चोल तथा भीतरी आवरण को अंतःकवच या टेगमेन कहते हैं। इसका निर्माण बीजाणु के आवरणों के सूख जाने से होता है। तीसरा डिफरेंस है, बीजाणु में भ्रूणकोश होता है और बीज में भ्रूणकोश नहीं होता है। बीजाणु में मुख्य ऊतक बीजाणु का है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, होता है, जबकि जो सीड या बीज में बीजाणु का है अनुपस्थित अथवा पतली परत के रूप में होता है, जिसे हम पेरिस्पर्म कहते हैं। पांचवा पॉइंट है, बीजाणु में एम्ब्रियो नहीं होता है, जबकि बीज में एम्ब्रियो होता है। बीजाणु में एंडोस्पर्म नहीं होता है, बीज में एंडोस्पर्म हो सकता है। बीजाणु का अंकुरण नहीं हो सकता है, जबकि उचित परिस्थितियों में बीज अंकुरित होकर नया पौधा बनाते हैं। ये जो फिगर है आपके समक्ष, ये बीजाणु की अंडायत काट का है और ये जो फिगर है ये आपका जो है ये बीज का है, यानी सीड्स का, ठीक है। जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो एम्ब्रियो और बीज, यानी भ्रूण और बीज में अंतर को दर्शाता है। पहला अंतर है, जो एम्ब्रियो होता है निषेचन के पश्चात बने जायगोट से भ्रूण का विकास होता है। सीड यानी निषेचन के पश्चात बीजाणु से बीज का विकास होता है। ध्यान रखिएगा, निषेचन के पश्चात बीजाणु से बीज का विकास होता है। दूसरा पॉइंट है, भ्रूण या एम्ब्रियो वास्तव में बीज का ही अंश है तथा इसी के अंदर सुरक्षित रहता है। बीज भ्रूण का अंश नहीं है,
बीज एक स्वतंत्र रचना के रूप में फल के अंदर रहता है। एम्ब्रियो के अंदर कोई अन्य रचना नहीं होती है। बीज में भ्रूण के अतिरिक्त भ्रूण कोष बीजांडकाय आदि पाए जाते हैं। लास्ट पॉइंट है, भ्रूण बीज के अंदर की सक्रिय रहता है, बीज से पृथक करके इनका भूमि में अंकुरण नहीं होता है और प्रायः नष्ट हो जाता है। बीज के अंकुरण से नया पौधा बनता है। यहाँ पर जो दोनों संरचनाएँ हैं उसमें जो पहली संरचना है, ठीक है, ये वाली जो है इसको हम बीजांड की लंबोट काट कहते हैं, और दूसरा जो है ये भ्रूण कोष है, ठीक है। इनमें देखिए एंटीपोडल सेल्स है, सेंट्रल सेल है, पोलर न्यूक्लियाई है, एक सेल है, सिनर्जिट्स है। ये एक सेल और सिनर्जिट को हम सामूहिक रूप से एक ऑपरेटस कहते हैं, फिलीफॉर्म ऑपरेटस भी होता है। साथ में ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये जो है ये भ्रूण सहित एक बीजांड की लंबोट संरचना का है। और जो ये आपके समक्ष जो है दो फिगर दिख रहा है, जिसमें ए है एक प्रारूपी द्विबीज पत्री भ्रूण यानी एम्ब्रियो, और बी जो सेक्शन है इसमें देखिए एक घास के भ्रूण का अनुप्रस्थ काट है। पर फिगर दिख रहा है ये कोशिकीय भ्रूण कोष है। ये निषेचन के पश्चात जो है एम्ब्रियोयुक्त बीजांड की अनुदैर्ध्य काट की रचना है, जो इम्पॉर्टेंट। साथ ही साथ आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर ये जो कुछ फिगर्स दिए हैं जो कुछ बीजों की संरचना को प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आप स्पष्ट रूप से इसको देख लीजिए।